नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता। आप देख रहे हैं टेक्विटेम चैनल। आज इस वीडियो में वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे और वर्डप्रेस का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस क्या है, सीएमएस क्या है, इसका एक कंसेप्ट हमने समझ लिया था। और उसके बाद में आपको टेक्विटेम की तरफ से डोमेन नेम मिल गया और एक वेबसाइट रेडी करके आपको दे दी गई, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे जो यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्टर की वेबसाइट है, मतलब जिसपे आपको ये ट्रेनिंग चलेगी, जिस पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमने करवाए हैं और आपकी वेबसाइट में क्या क्या आ रही है, कंपेयर करने के लिए आप इस यूआरएल को नोट कर लीजिए, wdc.sunildar.in। मतलब हम इस यूआरएल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें चेंजेस करेंगे और आप अपनी जो वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे सैंपल के, जैसे अंकित का है अंकित.sunildar.in, तिलक का है तिलक.sunildar.in, ऐसे आपका डोमेन नेम भी आपको आपके मेल पे मिला होगा और उसका यूजर नेम पासवर्ड भी मिला होगा। वो कैसे यूज करना है, कहाँ उसको यूज करना है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे अभी इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट बन के रेडी आपको मिली है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपकी यहाँ पे वेबसाइट है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अब जो हमने HTML की चीजें सीखी थी वो एक बार कहीं ना कहीं आप क्या करो, कोरिलेट करो कि इस पेज में वो चीज कहाँ है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार इंप्रूव हो जाएगी तो कस्टमाइजेशन करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाली जो चीज है, ये वाला जो एरिया, ये क्या है, हेडर है। मतलब ये क्या है, आपका हेडर सेक्शन है। मेन हेडर क्या होता है, जिसमें कंटेंट रहता है, जिसमें ये लिखा रहता है WDC टैग व्यू और जस्ट एन, तो ये मेटा डाटा है ना, तो जहां पे मेटा डाटा स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट वो हेडर रहता है। उसके बाद में यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है। अब बॉडी में एक ये सेक्शन बनाया होगा जहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हैं, फिर यहाँ पे ये एक सेक्शन बनाया होगा, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, फिर ये थर्ड पोर्शन क्या है, ये वाला है, और लास्ट में यहाँ पे ये क्या है, एक फुटर सेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्या इस पेज में अलग अलग चीजें। अब आपको यदि किसी भी वेबसाइट का कोड देखना है कि क्या क्या उसमें कोड है, तो कैसे देखते हैं, तो सिंपल, जैसे मेरे पास में ये मैंने फायरफॉक्स में ओपन किया है, मोजिला फायरफॉक्स में ब्राउजर में, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। दो चीजें आती हैं, एक तो क्या आता है यहाँ पे, व्यू सोर्स आता है, व्यू पेज सोर्स, और एक आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, देख के आप बता सकते हैं कि कहाँ क्या क्या चीजें। तो मैं जस्ट आपको एक बार दिखा रहा हूं कि क्या कैसे आपने जो पेज बनाया था उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा है, यहीं से ऐसे ही स्टार्ट करते थे हम। उसके बाद में HTML का ये क्या है, इसने लैंग्वेज डिफाइन किया है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हेड टैग लिखा हुआ है, ये हेड टैग है। हेड टैग में देखिए मेटा डाटा, कैर सेट बताया, फिर उसमें व्यू पोर्ट जो हमने बताया था कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, कुछ लिंक दिए हुए हैं है ना, टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो आपका टाइटल आ रहा है, ये टाइटल क्या है आपका, wdctechvteam.com। उसके बाद में बात आते हैं, यहाँ पे और भी लिंक दिए हुए हैं। भाई हेडर में तो हम यही देते हैं ना, स्क्रिप्ट के लिंक देते हैं। जैसे ये स्क्रिप्ट है, जैसे जावा स्क्रिप्ट का आपको बताया था कि कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जावा स्क्रिप्ट लिखा है, रिलीज main.js है, js का मतलब ये जावा स्क्रिप्ट फाइल है। उसके बाद में स्टाइल की फाइल जो है वो स्टाइल टैग के अंदर में है, यहाँ पे भी स्टाइल की दी है, देखिए .css, mini.css, ये सारी आपको फाइल दी हुई है। तो यहाँ देखिए ये style.min.css, मतलब ये इनकी css फाइल है, ठीक है, इस वेबसाइट की। तो ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हमने जो सीखी थी वही चीजें यहाँ पे सारी आ रही है। उसके बाद में यदि आप नीचे देखेंगे तो हेड को खत्म होने चाहिए, फिर मतलब जितनी चीजें हैं, जितनी अलग अलग स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्टाइल है, वो सारे क्या है, हेड टैग के अंदर। हेड टैग खत्म हो गया, यहाँ तक हेड टैग को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आता है बॉडी टैग। देखिए बॉडी टैग जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरा पेज क्या है, सेलेक्ट हो गया इस साइड में। यहाँ पे पूरा पेज क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो जा रहा है, ये सेलेक्ट हो गया ना, ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने क्या है उस टैग को वो कर दिया। ये फायदा है इंस्पेक्ट एलिमेंट का, कि जब भी आपको कोई एलिमेंट इंस्पेक्ट करना है कि कौन से में कहाँ का क्या कोड एरर आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद में देखिए मैंने जो बताया हेडर, ये हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन वेबसाइट का कहाँ पे है और उसमें क्या क्या कोड लिखा हुआ। अब यदि हेडर को इसको वो करेंगे तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। एक हेडर ये है, ठीक है, इनर सेक्शन, इसमें आपको जहाँ पे टैक्यू टीम लिखा हुआ है, WDC टैक्यू टीम, ये भी क्या है एक हेडर के अंदर में दिया होगा। देखिए यहाँ पे टॉगल क्लास है, ये बटन है, उसके बाद में ये टाइटल है। अब इस टाइटल के अंदर में यदि देखेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। इस नीचे वाले पोर्शन को मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है देखिए जस्ट अनदर वेबसाइट, नीचे वाला है,
और ये साइट टाइटल यहाँ पे है, तो H1 टैग के अंदर में दिया हुआ है ये आ रहा WDC टैग यूटीएम डॉट, और ये पे क्या है SREF दिया हुआ, तो ए टैग ए एलिमेंट को यूज किया है और यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट्स लगा है HREF का। तो कहने का मतलब ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आप ऐसे समझिए पहले वेबसाइट को क्या करना है, आपको समझना है कि कौन सा कोड कहाँ लिखा है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, फर्स्ट की जो क्लासे थी वो इसीलिए थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोड को कहाँ लिखना है। अब ये जो क्लासे हैं वो ये हैं कि आपको लिखा हुआ कोड समझ में आ जाए कि हाँ ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है, इसका काम ये है। हेडर सेक्शन हो गया, उसके बाद में मेन जहां पे ये कंटेंट आता है। अब इस कंटेंट में इन्होंने क्या है, एक आर्टिकल लिया है, हमने बताया था अलग अलग क्या होते हैं HTML के एलिमेंट्स में, हमने बात की थी कि ब्लॉक्स एलिमेंट में कि आर्टिकल्स होता है, हेडर सेक्शन होता है, असाइड होता है, नेविगेशन वाले सेक्शन होता है, फुटर होता है, तो यहाँ पे क्या है इन्होंने आर्टिकल सेक्शन लिया। कहने का मतलब वही सारी चीजें हैं, बस उनमें कंटेंट क्या है इन्होंने डाल दिया है, और वो जो क्या है कंटेंट को अभी मैनेज कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है फुटर है, जो फुटर की बात यदि हम करें तो ये फुटर है, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो ये तो क्या है डिव है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं डिव, और इसकी क्लास दी है, एक क्लास इन्होंने बनाई है, और नीचे जो सेक्शन है वो क्या है सेक्शन ही है फुटर का। मैंने मूव कर दिया उसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो आप कहीं पे भी ऐसे क्या करते हैं ये देखिए, और यदि आपको इसको टेस्ट करना है ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट का फायदा ये होता है कि आप इसको यहाँ पे एडिट करके देख सकते हैं, साइट में चेंजेस नहीं होंगे लेकिन आप अपने पेज में चेंजेस करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया तो अभी क्या आपको यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ना यहाँ पे फुटर ऊपर आ रहा है। तो आप एक बार जैसे जब भी कोई साइट में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी एक बार चेंज करके देख सकते हैं कहाँ क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरी साइट वैसी ही है जैसी हमने सीखी थी, जैसे हमने कोड सीखा है वही चीजें यूज हुई हैं, और कुछ यूज नहीं हुआ है। HTML यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, और JavaScript यूज हुआ है, बाकी कोई चीज यूज हुआ है क्या यहाँ पर, ठीक है। तो जो पेज आता है, पेज क्रिएट होकर आते हैं, वो सारे पेज क्या है ऐसे ही आते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हम बाद में भी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो हम आगे आगे क्या करेंगे सीखेंगे। तो बट अब जो है हम फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको वर्डप्रेस को यूज करना है, कैसे इस वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। देखिए मैंने पहले बात की थी पिछले एग्जाम्पल में कि मिठाई बनाने के दो तरीके जो हैं, एक तो आप पूरा खुद बनाओ, एक क्या आप आधा काम करवा लो, मतलब जैसे खोवा बना बनाए ले आए और फिर बाकी जो चीजें इंग्रेडिएंट वो इसमें मिला दो और आपकी मिठाई रेडी हो जाए। तो हमने ये बना बनाया खोवा ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से डालेंगे और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे इस वेबसाइट को, क्लियर है? ओके। तो अभी तक बात थी आपके डोमेन नेम की, आपको जो डोमेन नेम मिला है, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है वेबसाइट पे जाके कोर्स के लिए उनको डोमेन नेम मिला है, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया उनको डोमेन नहीं मिला होगा, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है आप भी रजिस्टर्ड कर लीजिए यदि आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अभी कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन और ओपन है, और बाद में हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ही क्लोज हो जाए, तो आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ले उतना अच्छा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि इसको आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको कहाँ यूज करना है और कैसे इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात, आप मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वेबसाइट क्या है, ब्लॉग है, ये क्या है आपके ब्लॉग पेज है, मतलब जहाँ पे आप लोग कई बार पढ़ते हैं ना, आप न्यूज पढ़ते हैं कई बार, आपको न्यूज फीड कैसे मिलते हैं, गूगल की तरफ से मिलते हैं, बोलते हैं वहां ये कोई एक इंसिडेंट हो गया या अभी जो चल रहा है सुशांत का केस चल रहा है, तो ऐसे आप जब भी गूगल पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक वेबसाइट खुलती है, वहां पे ये चीजें, वो सारे क्या है ब्लॉग पेज है, मतलब लोग क्या करते हैं ब्लॉग लिखते हैं, मतलब अपने अपनी बात लिखते हैं और फिर आप क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ये एक ब्लॉग लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, बस किसने लिखा, बाई एडमिन, एडमिन मतलब जिसने ये वेबसाइट क्रिएट किया है उसने ये लिख के आपको दे दिया। कमेंट, कोई कमेंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ये कमेंट, ठीक है, आप रिप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मतलब क्या है ये पूरा आपका क्या है ब्लॉग बन गया, आप जो ब्लॉग देखते हैं उनमें भी रहता है ना कमेंट सेक्शन, तो ऐसे क्या है आपका ये पूरा क्या है ब्लॉग वर्किंग में है। अब बात आती है यहाँ पे नीचे के पोर्शन में, यहाँ पे देखिए ये कुछ चीजें क्या है, जैसे आपकी जितने पोस्ट, पहला पोस्ट हेलो वर्ल्ड है, एक ही पोस्ट है इस ब्लॉग में तो यहाँ पे एक दिखा रहा है, तो ऐसे और भी जितने हैं वो आप ऐड करते जाओगे तो यहाँ दिखाता जाएगा, आपके ब्लॉग्स यहाँ से सर्च भी किए जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से सर्च करूँ हेलो,
तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड, वी फाउंड वन रिजल्ट, मतलब हेलो से रिलेटेड एक ब्लॉग इसमें है। तो कहने का मतलब वेबसाइट में सारी चीजें वर्किंग हो रही। अब ये जो वेबसाइट क्रिएट करके दी है आपको टेक्यू टीम के द्वारा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा है, मतलब नथिंग। आप ये समझो तो एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उनको 1 मिनट लगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट सिर्फ जैसे ही क्या किया, सर्वर दिया हुआ है जहां पे आपके सारे डोमेन बना लिए, उस डोमेन को बनाने के बाद में उसी सर्वर में सी पैनल है। सी पैनल मतलब कंट्रोल करने के लिए, आपको कल बताया था कि सी पैनल मतलब सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या है, सी पैनल होता है। तो उसी में हम एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को यूज किया हुआ है, और फिर उस वर्डप्रेस की एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट क्या है, क्रिएट की गई है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले जो चीज सीखने वाली है वो ये है कि इस साइट को कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद में सी पैनल पे भी लेके जाऊंगा आपको, सी पैनल को कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाएंगे, कैसे ये वेबसाइट कैसे क्रिएट की तुरंत 1 मिनट में। ठीक है, अब इस 1 मिनट में क्रिएट की हुई वेबसाइट को आप अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की लॉगिन कैसे करना है। अब यहां पे देखिए नीचे आते हैं तो यहां पे लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करें आप, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपको जो डोमेन मिला है उसमें क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या है, अब एक यूजर नेम और पासवर्ड मिला हुआ है, वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे फीड करना है, यूजर नेम यहाँ पे और पासवर्ड यहाँ पे, और क्या करना है आपको, लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये यूजर नेम पासवर्ड आपको किसी भी के भी साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि साइट क्या है, पब्लिक चल रही है, अभी इंटरनेट पे आपकी साइट चल रही है। यदि कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी कुछ होता है, यदि आपका यूजर नेम पासवर्ड शेयर होता है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्यू टीम की नहीं है। ठीक है, फिर वो आप खुद जाने, बाकी हम लोग मैनेज करेंगे। यदि आपको कोई इश्यू आ रहा है या लॉगिन होने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे। आपको हो सकता है कि फर्स्ट में लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या है, कंफर्म करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट से। ओके, यहाँ पे देखिए अब लॉगिन कर लिया हमने। ठीक है, जैसे लॉगिन किया तो यहां पे कुछ चीजें आ रही है। सबसे पहली बात, क्योंकि अभी तक आपका जो पेज था वो हमने क्या है, बस प्री क्रिएटेड जो वेब टेम्पलेट था वो आपको क्या कर दिया, यूज करवा दिया। अब लेकिन आप यदि चाहते हैं तो आप यहां पे देखिए, सबसे पहले वर्डप्रेस क्या पूछता है कि आपको क्या है, कौन सी वेबसाइट चूज करनी है। टेम्पलेट, यहां पे टेम्पलेट दिए हुए हैं, इस राइट साइड में आपको टेम्पलेट मिलेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, टाइप दिया है, आप क्या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं, और इस साइड में आपको क्या है, उस टेम्पलेट की एक इमेज दी हुई है कि कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अभी चूज कर सकते हैं, मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा आपको, एक ही बार आएगा, फर्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे तो एक ही बार आएगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो वेबसाइट है हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। वो किस लिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार आपकी जो वेबसाइट आपने हमने बना दी, अब उसी को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है, मैं सिंपल से आपको बात बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ वेबसाइट की डिजाइन बताए हुए कि आर्ट या डिजाइन है आपकी वेबसाइट, होम सर्विस आप दे रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कैसी आपकी वेबसाइट है, या ऑनलाइन स्टोर है आपका, ऑनलाइन स्टोर में भी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, उसके रिलेटेड प्री क्रिएटेड आपको वेबसाइट टेम्पलेट पहले से ही मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्लिक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, क्या करेंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। क्लियर है, यहां पे क्लिक करना है आपको, यहां पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। जब यहां पे आपका क्लिक हो जाता है तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, यस आई एम श्योर, मेरी वेबसाइट में टेम्पलेट चल रहा है, एक टेम्पलेट मुझे वही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नो थैंक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू एग्जिट। ठीक है,
ये वर्डप्रेस सेटअप में जब भी आप यूज करते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस वर्डप्रेस एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई उसके बाद में इसको किसी ने लॉगिन किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे एडमिन से, एडमिन राइट से, तब ये चीजें पूछता है। ओके, तो ये आपका आ गया डैशबोर्ड, आपकी वेबसाइट वहां चल रही है, उस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए ये है मेन चीज डैशबोर्ड, जो हम बात कर रहे थे कि वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट को मैनेज करता है। तो वो मैनेज कहाँ से करेंगे, वो यहां से करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन अब आपके इस पे दिख रही है, ये जो स्क्रीन है आपकी, यही है जो आपको मैनेज करती है, ठीक है। तो इस स्क्रीन को ध्यान से देखना है, और इसमें जितने भी टूल्स हैं वो हम क्या करेंगे अभी अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे, और यहीं से है सारी चीजें होती हैं। आपको यदि नया ब्लॉग ऐड करना है तो सारी चीजें यहीं से होंगे। अब फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, हमने कोर्स के सिलेबस में बात की थी कि आपको बहुत सारी वेबसाइट के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है आपका ब्लॉग बनाना, ठीक है। तो आज से नहीं, कल से हम अपने ब्लॉग बनाने वाली वेबसाइट का शुरू करेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक चीजें, कौन कौन से मेन्यू होते हैं, कौन कौन से मेन्यू में कहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उनके बारे में बात करने वाले। तो आज जो बात करेंगे वो सिर्फ हम ये जो ऊपर वाले बार है, आज जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ ये जो ऊपर आपको एक बार दिख रही है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ इस वाले बार के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से टूल हैं और उनको कैसे यूज करना है। कल के वीडियो में फिर ये सारी चीजें, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, वर्डप्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस के बारे में आता है कि अबाउट वर्डप्रेस, wordpress.org, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, फीडबैक। ये तो इस पे हमें कोई ज्यादा काम पड़ेगा नहीं, काम पड़ेगा तब बताऊंगा। ये हमारी वेबसाइट है wdctechnewteam.com, आपकी जो भी आपका नाम है वो दिखा रहा होगा। और यहाँ पे विजिट साइट्स, यदि आप इस साइट को देखना चाहते हैं जब भी जो चेंजेस कर रहे हैं कि कैसा चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। ये क्या है, आपको यदि कोई प्लगइन्स आता है, कोई अपडेट्स आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब रिफ्रेश करने के टाइप में है कि कोई प्लगइन का कोई अपडेट तो रिलीज नहीं हुआ है, कुछ अपडेट्स जो भी चीजें हैं वो सारी कहाँ है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, कोई भी मैसेज, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको क्या मिलते हैं, कमेंट्स यदि आपके पोस्ट पे कोई करता है तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब जैसे ही आप कोई भी लोग आपके पे कमेंट करता है तो यहाँ पे आता है आपकी वेबसाइट पे, जैसे आपने ब्लॉग बनाया तो उस ब्लॉग पे कौन कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट किया उसने, तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग का तो मेन मकसद यही होता है, आपने एक पेज पे ब्लॉग पोस्ट कर दिया, उसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या है वो देखने के लिए तुरंत यहाँ से। यहाँ पे बात आती है न्यू, यदि आपको नया एक पोस्ट क्रिएट करना है, जैसे नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो उसको बोलते हैं पोस्ट, तो वो पोस्ट यदि क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पोस्ट पे जाएं और फिर एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, देखेंगे धीरे धीरे। नया यूजर क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत चल गया है तो फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे आपके ब्लॉग को, आपके ब्लॉग को और भी लोग मैनेज करेंगे, या आपके ब्लॉग में आप चाहते हैं लॉगिन फैसिलिटी देना, जैसे अभी लॉगिन हुए हम, ऐसे आप तो एडमिन लॉगिन हो गए इसलिए आपको ये डैशबोर्ड दिख गया, लेकिन आपका कोई और यूजर है, जैसे बहुत सारे ब्लॉग ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल यूजर काम करते हैं, जैसे आप एक ब्लॉग ले लीजिए मीडियम वाला, है ना, मीडियम में आप अपनी भी वेबसाइट बना सकते हैं और वो लोगों के मतलब अकाउंट पे भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर, तो वहां पे आप लॉगिन करें और आप अपने ब्लॉग बना सकते हैं। तो जहां पे जैसे ये जब हम देख रहे थे, जैसे ये वाली वेबसाइट ही लेता हूँ, तो यहाँ पे भाई एडमिन लिखा है ना, वहां पे और कोई जो पोस्ट करेगा उसका नाम आए, कहने का मतलब ब्लॉग आपका है, आपके नाम से वेबसाइट है, लेकिन उसपे बहुत ढेरों सारे लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब यूजर अकाउंट आप क्रिएट यदि करना चाहते हैं तो यहाँ से यूजर अकाउंट क्रिएट होता है। अब आप चाह रहे होंगे कि सर मैं मैन्युअली क्यों क्रिएट करूँ, जो लोग मेरी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उनके पास में साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, ये सब चीजें आनी चाहिए, तो वो चीजें भी आ सकती हैं, उसके लिए भी टूल्स हैं, उनको हम यूज करके बताएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट मोस्ट में आपको एक टूल आता है जो आपका प्रोफाइल से रिलेटेड है, जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट है, आपकी प्रोफाइल एडिट करनी है, इमेज लगानी है, नाम चेंज करना है, तो ये सब चीजें ये आपसे आप कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्या करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही था, कल जो है मतलब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे ये वाली चीजें, डैशबोर्ड, पोस्ट और ये सब चीजें क्या है, कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, थैंक यू, बाय बाय।